This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. This is why. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. This is why. This is why I'm hot. इस वक्त मेरे साथ है कवि शास्त्री. अब ये कवि शास्त्री रवि शास्त्री से कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरा भाई का नाम रवि है, पर वो क्रिकेटर नहीं है, पायलट है. तो आई थिंक it was just easier for my parents to say avi aur hum dono aa jate the, to I think isliye mera naam kavi hai. Poet nahi hu, main shayari likh bhi nahi sakta hu, but main koshish to karta hu hamesha. lekin kahin na kahin ye jaise aap london based rahe hain hamesha, to aapne kabhi ye socha nahi ki kis tarah ki value di jati hai? Pehli baat to main janna chahti hu london mein indian actors ko. एक्चुअली ज़्यादातर स्टेरियोटाइपिंग तो होता है. आई गेस एज एन इंडियन एक्टर लंदन में आपको डॉक्टर का रोल मिलता है, अकाउंटेंट का रोल मिलता है, जो स्टेरियोटाइप्स हैं वहाँ के, कि जो इंडियन लोग वहाँ जाके सब अकाउंटेंट्स बने, डॉक्टर बने. लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी स्टेरियोटाइपिंग बहुत होता है. अगर आप यूपी से हैं तो मतलब आप ऐसे होंगे, पंजाब से हैं तो ऐसे होंगे, आप गुजराती हैं तो ऐसे होंगे. तो आई थिंक स्टेरियोटाइपिंग हर जगह पर है, लंदन में तो है ही, पर यहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है. वहाँ पे तो मतलब 20-25 एक्टर हैं जो इंडियन ओरिजिन का है, यहाँ पे तो सब इंडियन है, तो मुश्किल पड़ता है. लेकिन अगर आप एंकर नहीं होते, एक्टर नहीं होते, आपकी एक्टिंग तो देखी है मैंने, लव आजकल है या इतनी सारी पिक्चरों में आपको देखा, आप किससे इंप्रेस्ड होकर एक्टिंग में आ गए? क्योंकि आपके भाई जैसे आपने कहा पायलट हैं, तो उस तरह के घर से आना और एकदम से एक्टिंग में और इस तरह की चीज़ों में आ जाना. आई थिंक एक्चुअली पहली बात तो ये है कि पहले तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत ख़राब हूँ, या मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता हूँ. मैं कोशिश तो करता हूँ क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए. तो आई थिंक जब मैं छोटा था, मैं यहाँ पे आया था, मैं गुजरात आया था अपने फैमिली को मिलने के लिए, और तब मैंने मैं खिलाड़ी तू अनारी पिक्चर देखी थी, और अक्षय कुमार, लाइक आई लव्ड अक्षय कुमार एट दैट पॉइंट. एंड सो आई थिंक अक्षय कुमार की वजह से, ऑल्सो इन माई फैमिली बहुत सारे कलाकार हैं. मेरा अंकल है, वो गुजराती प्लेज करते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे दोस्त हैं जो प्लेज और थिएटर करते हैं, तो उनको देखते देखते मुझे भी पसंद आ गया. मैंने सोचा कि चल मैं भी कर लूँ, एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स, मैं आज इसी वक्त यहाँ पे हूँ, यू नो, सो बिकॉज ऑफ देम. सो अभी आप कह रहे थे कि एंकरिंग जो है एकदम नई है आपके लिए, थोड़ा नर्वस या डरे हुए तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल डरा हुआ हूँ, बिल्कुल नर्वस हूँ. पहली बात, जैसे कि एक्टिंग करते हैं स्क्रीन पे तो लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं उनके, थिएटर करते हैं तो ऑडियंस है बाउंस बैक करने के लिए. आप लोग कैसे काम करते हैं कैमरे के सामने, इट्स वेरी नर्व रैकिंग. एक कैमरे के लेंस, सिर्फ कैमरे के लेंस है मेरे पास देखने के लिए, कुछ बाउंस बैक नहीं है, मुझे पता नहीं चलता है, शॉट होने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा गया नहीं अच्छा गया. तो नर्वस तो बहुत हूँ, लोग क्या सोचेंगे, पर होपफुली यू नो, टच वुड, इट बी फाइन. लेकिन जैसे आपका शो जो है, उसमें क्या क्या देखने मिलने वाला है मुझे, और किस तरह का शो होगा वो, क्या क्या होगा उसमें? आई एम एक्साइटेड. या सो लव बाय चांस एक 26 एपिसोड रोमांटिक कॉमेडी है. उसके अंदर हर हफ्ते आपको एक नई लव स्टोरी देखने को मिलेगा. और आजकल जो आप टीवी पे देखते हैं फिक्शन शो से, नॉन फिक्शन शो से, उसमें जब लव दिखाते हैं तो लव के पीछे बहुत ड्रामा होता है, और बहुत रोना धोना होता है, मारपीट होती है. सो वी ट्राई टू कट ऑल ऑफ द ड्रामा आउट, और ये दिखाना चाहता है कि प्यार के अंदर एक बचपना है, एक इनोसेंस है जो आज भी है. आप इतनी सारी फिल्मों में मुझे दिखते रहे हैं, लेकिन आपकी कौन सी खुद की फेवरेट रही है उनमें से, और कौन सा रोल है जो आप करना चाहेंगे? आई थिंक फिल्म के हिसाब से, आई थिंक एक फिल्म है जो अभी जुलाई 18 को रिलीज़ होने वाला है, वीरदास के साथ, अमित साहनी की लिस्ट. आई थिंक दैट्स बीन माई फेवरेट कॉमिक रोल आज तक. और द फेम माई फेवरेट कैरेक्टर रोल आज तक फिल्मों में हैज़ टू बी औरंगजेब, जो औरंगजेब ने विलन का रोल निभाया था. आई थिंक दैट्स बीन द बेस्ट फॉर मी. कैमरा पर्सन चंदन के साथ चेतना भटनागर, भास्कर न्यूज़.